Hello students, good morning all of you. E tutorial Binayak Inter College Khajurahat Ayodhya में आपका स्वागत है. मैं दयाशंकर यादव, क्लास 10th, सब्जेक्ट बायोलॉजी में आज नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आया हूँ, लक्षण प्रारूप एवं जीन प्रारूप. इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है. जीनोटाइप या फीनोटाइप के नाम से, जीनोटाइप और फीनोटाइप क्या है? लक्षण प्रारूप जीव के विभिन्न दैहिक लक्षण जैसे आकार, आकृति, रंग, स्वभाव आदि को व्यक्त करता है. समान लक्षण प्रारूप वाले जीवों की जीनी संरचना समान हो सकती है और नहीं भी हो सकती है. जीन प्रारूप या जीनोटाइप जीव के जीनी संगठन को व्यक्त करता है जो कि उसमें विभिन्न दिखाई ना देने वाले लक्षणों को भी निर्धारित करता है. समान जीन प्रारूप वाले जीवों के लक्षण प्रारूप सदैव समान रहते हैं. उसमें देखिए, समान लक्षण प्रारूप वाले जीवों की जीनी संरचना समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन इसमें समान जीन प्रारूप वाले जीवों के लक्षण प्रारूप सदैव समान रहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है संकर एवं संकरण, हाइब्रिड एंड हाइब्रिडाइजेशन. जब तुलनात्मक लक्षण वाले नर और मादा के मध्य निषेचन कराया जाता है तो इस क्रिया को संकरण कहते हैं और इससे उत्पन्न संतानों को संकर कहते हैं. जैसे शुद्ध लंबे कैपिटल टी तथा शुद्ध बौने स्मॉल टी पौधों को क्रॉस कराने पर संकर लंबे कैपिटल टी पौधे प्राप्त होते हैं. फर्स्ट विधि से देखेंगे शुद्ध लंबा शुद्ध बौना, तो इसमें जो है कैपिटल टी से कैपिटल टी और दूसरे शुद्ध बौना से स्मॉल टी, फिर दूसरे में कैपिटल टी, यहाँ से जो दूसरा शुद्ध बौना में स्मॉल टी, फिर यहाँ से दूसरा टी जो है इसके साथ, यहाँ से फर्स्ट टी के साथ क्रॉस, फिर इसी तरीके से इसके साथ, तो ये चारों प्रकार के जो लक्षण दिख रहे हैं संकर लंबे. तो इसी तरीके से सेकंड विधि में शुद्ध लंबा शुद्ध बौना, शुद्ध लंबा में कैपिटल टी शुद्ध बौना में स्मॉल टी, तो यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी तरीके से यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी तरीके से इसमें भी, तो यहाँ पे कैपिटल टी इक्वल टू संकर लंबे पौधे मिलते हैं या होते हैं. थैंक यू.